एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट एंड आई होप दैट यू आर वेरी हैप्पी, यू विल बी वेरी हैप्पी। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एक्सरसाइज फर्स्ट ए रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैथ फोर्थ क्लास सेवेंथ। टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व द सिक्स क्वेश्चन। स्टूडेंट, मैंने पहले भी कहा था कि किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो वो मुझे मेरे नंबर पे कॉल कर सकता है, अपने व्हाट्सएप नंबर से उस प्रॉब्लम को मुझे सेंड कर सकता है। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको शीघ्र ही उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। लेकिन स्टूडेंट ध्यान रखें, अभी भी मैं जानता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट जो क्लास सेवेंथ में पढ़ते हैं ना, तो वो अभी यूज़र आईडी लेकर के गए हैं। उनके आसपास पढ़ने वाले जितने भी सेवेंथ सिक्स के स्टूडेंट हैं तो एक दूसरे को इन्फॉर्म कर दें, यूजर आईडी ले जाएं। और स्टूडेंट आप अपना कोर्स ज़रूर परचेस कर लें, यदि आप कोर्स परचेस नहीं करेंगे तो आपकी स्टडी में प्रॉब्लम बनी रहेगी। आज हम आपको, और इसके बाद उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, उन सबको मैं सॉल्व कराऊंगा और उनके बारे में भी आपको जो उनके बेसिक्स तिलु है उनके बारे में आपको समझाऊंगा। तो स्टूडेंट मैं आप अब सॉल्व करने जा रहा हूं और आपको बताने जा रहा हूं ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से उसको समझें। अच्छा डाला है सबसे पहले। और क्वेश्चन नंबर सिक्स में हमसे पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ। मैं स्टूडेंट बता दूं कि ये चैप्टर जो है बहुत इजी चैप्टर है, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट हमें अगर इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें केवल साइंस ध्यान रखने हैं, साइंस। और मैंने कल भी जो वीडियो सेंड करा था उसमें भी मैंने आपको सबसे पहले साइंस के बारे में बताया था कि जब साइन जो होते हैं हमारे प्लस माइनस जो होते हैं साइन, उनका जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो मल्टीप्लाई करने जब दो साइनों का मल्टीप्लाई करा जाता है, किसी किन्हीं भी टू साइन का मल्टीप्लाई करा जाता है तो मल्टीप्लाई करने के बाद साइन कौन से साइन में वो चेंज हो जाता है। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है और फिर भी समझ में नहीं आया है तो देखिए इस पेज पर मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ कि जब भी कभी हम प्लस का मल्टीप्लाई, यहाँ मैं रेड पेन से आपको बता दे रहा हूँ, प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो आंसर जा करके प्लस ही होता है। इसके बाद स्टूडेंट जब माइनस की टू नंबर्स होती हैं और वो मल्टीप्लाई में होती हैं, या हम ऐसा कहते हैं माइनस माइनस जब टू नंबर में होता है और उनके बीच मल्टीप्लाई करना पड़ता है तो माइनस माइनस की नंबर मल्टीप्लाई होकर के वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। जस्ट आफ्टर प्लस का मल्टीप्लाई यदि हम माइनस से करते हैं तो वो उसका आंसर माइनस में ही आता है। इसके बाद स्टूडेंट माइनस का मल्टीप्लाई जब हम प्लस से करते हैं तो भी आंसर उसका माइनस ही आता है। तो स्टूडेंट इन ये जो साइन है इनको अगर हम ध्यान से रखेंगे और इनके बारे में अगर हमको जानकारी भी हो रहेगी तो निश्चित ही हम कोई भी क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है इसमें मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको, सेकंड क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताऊंगा, इसके बाद उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो आपको खुद ही सॉल्व करना है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड लिख रखा है और इसमें क्वेश्चन नंबर सिक्स का फर्स्ट मैंने छोड़ रखा है, फर्स्ट आपको मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ सॉल्व इटसेल्फ, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड बताने जा रहा हूँ। तो 16 माइनस लार्ज ब्रैकेट 14 माइनस स्मॉल ब्रैकेट माइनस 2 माइनस स्मॉल ब्रैकेट माइनस 6। स्टूडेंट असल में क्या है कि मैं आपको और भी अच्छी तरीके से बताता हूँ, लेकिन हालांकि कोशिश तो मैं पूरी करता हूँ, ये वीडियो थोड़ा बड़ा अपलोड हो जाता है और क्वेश्चन बहुत सारे नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें रहती हैं जो बतानी पड़ती हैं। लेकिन जब हम इसको ऐसा करते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कस कर लेते हैं या मान लो क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा अपन डीपली चले जाते तो वो वीडियो बड़ा बन जाता, अपलोड होने में समस्या आती है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी अपलोड नहीं हो पाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर सेकंड में सॉल्व करने जा रहा हूं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड ये आपका यहां पे दे रखा है, ये दे रखा है। तो हमने बोडमॉस रूल पढ़ा हुआ है, सर ने हमेशा होमवर्क के रूप में भी आपको पढ़ने होमवर्क भी देते थे टीचर आपके, बोडमॉस में आपको बताया जाता था कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को तोड़ते हैं कैसे, फिर हम ऑब्लिक को उसको ऑब्लिक को तोड़ते हैं, फिर डिवीजन करते हैं, फिर एडिशन करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे करके मतलब बहुत सारी चीज़ें बताई थी। तो सबसे पहले हमें कभी भी दिया जाए कोई भी क्वेश्चन, तो अगर ब्रैकेट का दिया है तो हम सबसे पहले उसमें से स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट के बाद हम उसके कर्ली ब्रैकेट पर आते हैं, कर्ली ब्रैकेट के बाद हम उसके लार्ज ब्रैकेट पर आते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए 16 का 16 रहने देंगे, हम इस लार्ज ब्रैकेट के अंदर जो नंबर्स आपके उसमें लिखे हैं स्मॉल ब्रैकेट में, तो सबसे पहले हम उनको सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम लार्ज ब्रैकेट पे आएंगे। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे देखो, यहाँ देखो माइनस इसके ब्रैकेट के बाहर है और ये माइनस टू इस ब्रैकेट के अंदर है, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई देखो यहाँ पे मैंने साइन लिख रखे, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट तो क्या हो जाता है बेटा, प्लस हो जाता है। फिर यहाँ देखो सेकंड टाइम देखो, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो ये भी नंबर हमारी प्लस की हो जाएगी, फिर हमारे ये सिक्स रह गया ब्रैकेट तो ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। इसके बाद देखिए 16 माइनस ये ब्रैकेट के अंदर हैं सारे, लास्ट ब्रैकेट के अंदर हैं सारी डिजिट, तो हम इनको सबको ऐड कर लेंगे क्योंकि इनके बिटवीन में जो साइंस लगे हुए हैं वो हमारे प्लस के हैं। तो 6 to 8, 8 to 14 कितना होता है स्टूडेंट 22। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट ये जब भी कभी किसी क्वेश्चन का नंबर आंसर लाना हो और आ रहा हो तो उसमें हमें सबसे पहले ध्यान ये रखना चाहिए कि कौन सी नंबर ग्रेटर है कौन सी नंबर स्मॉल है, जो नंबर ग्रेटर होगा तो उसी में से स्मॉल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें साइन का ध्यान रखना पड़ता है। आप देखो यहाँ पे माइनस 22 इज ग्रेटर देन प्लस 16 देन साइन विल बी माइनस, तो 22 में से 16 माइनस करेंगे स्टूडेंट तो कितना बचेगा 6, वो भी काय का बचेगा यहाँ पे स्टूडेंट माइनस का बचेगा, तो हमारा आंसर कितना हो गया। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हम 7 को सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 7 में हमें यहाँ पे लिख रखा है यूजिंग, कल भी हमने बताया था कि ग्रेटर देन लेस देन, तो इनमें भी यही साइन करने, ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल का साइन हमें फिल करना है, फिल इन द बॉक्सेस बॉक्सेस टू मेक ईच स्टेटमेंट ट्रू। इसमें ये दिखाना है ये ट्रू है कि नहीं है, क्यों क्या दिखाना है ट्रू है कि नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपको एक बार लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर जैसे मान लेते हैं कि कौन सा है सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व कर रहा है, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ दिया है, ये आपको खुद करना है, मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को बताऊँगा, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख के आप खुद ही कर देंगे, ठीक है। या चलो थोड़ा सा मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही सही है, फर्स्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि आपको साइन दिखेंगे तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे देखो -1 + -5 और यहाँ पे देखो ब्रैकेट लिखा हुआ है, फिर है माइनस ब्रैकेट -7 है फिर -5 है स्टूडेंट, ये देखो राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसके बिटवीन में हमें क्या फिल करना है, इसके बिटवीन में हमें क्या फिल करना है, साइन फिल करना है, कौन कौन सा करना है, एक तो ग्रेटर देन का करना है, एक लेस देन का करना है और एक हमें इक्वल का। अगर कोई नंबर इन राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की नंबर में डिफरेंस है तो ग्रेटर देन लेस देन का साइन हमें यहाँ पे फिल करेंगे हम, और अगर दोनों ये नंबर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड की नंबर दोनों इक्वल हैं तो हमें यहाँ पे कौन सा करना है, इक्वल का साइन करना है, और दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाते हैं तो हमें उसके स्टेटमेंट में ट्रू बताना है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, देखो सॉल्यूशन डाल देते हैं, रेड पेन से डाल देते हैं, इसके बाद स्टूडेंट आपको ही करना है और जो क्वेश्चन ना आए वो मुझे बता देना, बस केवल साइन का बहुत ज़्यादा से मोस्टली आपको साइन का ध्यान रखना पड़ेगा।
ये देखो माइनस वन है प्लस माइनस फाइव है। यहाँ पे हम चले जाएंगे ब्रैकेट के बाहर जब कोई नंबर होती है या कोई साइन होता है उनका अंदर वाली साइन से या नंबर से मल्टीप्लाई माना जाता है। तो देखो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो साइन का आएगा माइनस का आएगा, तो माइनस वन एंड माइनस फाइव ब्रैकेट, इसको सॉल्व करना है। एक माइनस सेवन माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट फाइव। अब देखो माइनस का फाइव माइनस का वन, जब मैंने कल भी बताया कि जब टू नंबर माइनस की हो तो जब टू नंबर माइनस की हो तो वो मतलब ऐड तो हो जाती हैं पर उनका साइन कभी चेंज नहीं होता है। तो स्टूडेंट माइनस सिक्स हो जाएगा, माइनस सेवन यहाँ पे माइनस के सेवन है और यहाँ फाइव है, तो माइनस के सेवन में से माइनस के वो प्लस के फाइव हो जाएंगे तो कितना बचेगा माइनस के टू बचेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे साइन चेंज करना, तो मैंने कल भी कहा था आपको कि जो नंबर बड़ी होती माइनस की और उससे छोटी वाली नंबर जो माइनस की होती है तो वो ग्रेटर होती है बड़े वाले माइनस की नंबर से, तो यहाँ पे साइन का आएगा आएगा हमारा ग्रेटर। ठीक है, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन नंबर सेवन की जितने भी क्वेश्चन रह रहे हैं इन सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और ये बड़े इजी क्वेश्चन है, केवल इनमें प्लस माइनस करना है और ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल के आपको साइन फिल करने हैं। तो मैंने ये यहाँ पे कर दिया है, एक बार हम इसका आंसर चेक और कर लें अच्छे से। ठीक है, थैंक यू सो मच।